गोरखपुर जिले में सोमवार को 106 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,121 हो गई है। अब तक 209 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो चुकी है। 12,440 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,472 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की। उन्होंने बताया कि संक्रमित के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर की बात करें तो 42 नए मरीज मिले हैं। इसमें गोरखनाथ थाना क्षेत्र में सोमवार को सबसे अधिक 15 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 13, रामगढ़ताल में 3, कैंट में 5, कोतवाली में 4, गुलहरिया में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 36 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 13, सैजनवा में 1, कैंपियरगंज में 1, कोड़ीराम में 1, बड़लगंज में 1, गगहा में 3, बेलघाट में 1, खोराबार में 11, बड़लगंज में 1, गोला में 2, ब्रह्मपुर में 1, जंगल कौड़िया में 1, बांसगांव में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 28 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।